नमस्कार दोस्तों, स्काई बुक स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, कैसे बनती है, किस प्रकार इसका प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन एक बहुत ही आवश्यक दवा है, जिसे साल 2015 में जारी की गई अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया था। इसमें 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियाँ नहीं होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें मौजूद रहती है, जैसे कि हाइड्रोजन, नियॉन, ज़ीनॉन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, जिस वजह से इंसान पानी में आसानी से सांस नहीं ले पाता है। पानी में मौजूद 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है, फिर फिल्टर की मदद से इसमें से अशुद्धियाँ निकाल दी जाती है। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाता है और इसे स्टोर किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद स्टोर की गई ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। मौजूदा वक्त में मेडिकल ऑक्सीजन एक और तरीके से बनाई जाती है। इसमें एक पोर्टेबल मशीन आती है जो हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाने में सक्षम है। इस मशीन को संक्रमित मरीज के पास रख दिया जाता है और ये लगातार मरीज तक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाती रहती है। अब मेडिकल ऑक्सीजन को अस्पतालों तक कैसे पहुँचाया जाता है? तैयार मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसे कैप्सूल के आकार के बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। अस्पताल द्वारा इन टैंकरों को मरीज के पास पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। जिन अस्पतालों के पास यह सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा गैस में तब्दील कर ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरकर अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। इन अस्पतालों में मरीजों के बिस्तर के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा स्थिति क्या है? भारत में कुल 10 से 12 मेडिकल ऑक्सीजन के बड़े निर्माता हैं और 500 से ज़्यादा छोटे प्लांट में इसे बनाया जाता है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दिल्ली में स्थित गोयल एमजी गैसेस, कोलकाता में स्थित लिंडे इंडिया लिमिटेड और चेन्नई में स्थित नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड देश की बड़े मेडिकल ऑक्सीजन सूची में शामिल है। भारत की मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 6400 मीट्रिक टन है और कोविड 19 के भयावह स्थिति के मद्देनजर देश में ऑक्सीजन की खपत 4795 मीट्रिक टन हो गई है। अचानक से बढ़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे देश में केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही उपलब्ध हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में तब्दील कर सिलेंडरों में भरने के लिए खाली सिलेंडरों की कमी है। कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र सरकार ने इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बातचीत की थी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी और उनसे मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को शहर में लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की अपील की है। एक इंसान को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? सामान्यतः एक वयस्क को आराम करते वक्त भी 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मेहनत का काम या वर्जिश करने पर उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के जानकारी वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्काई बुक स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।